हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड। तो फ्रेंड आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आज हम बनाएंगे आसानी से बनने वाली पिकॉक टॉपियारी, जो हमारे गार्डन को ब्यूटीफुल बनाएगी। तो उसके लिए फ्रेंड हमें चाहिए एक तार और एक कॉटन का धागा, जिससे कि हम उसको बांध सकें और तार से हम उसको सपोर्ट दे दें। और फ्रेंड आप रील का धागा ना यूज करें, क्योंकि फ्रेंड रील का धागा सिल्की होता है, उससे प्लांट की ब्रांचेस जो होती हैं कट जाती हैं। और फ्रेंड जेड प्लांट में एक टोप्यारी बनाते समय आप एक बात का और ध्यान रखें कि आप पिकॉक टोप्यारी बना रहे हैं तो आप ऐसी ब्रांचेस सिलेक्ट करें जो ऊपर की साइड में जा रही हों, उससे आप पिकॉक का हेड बनाइए, और जो नीचे की तरफ जा रही हों उससे आप इसके पंख बनाइए। तो बहुत ही आसानी से आपकी टोप्यारी बनके तैयार हो जाती है, जो आपके गार्डन को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाती है। ऐसी चीज़ें हमारे गार्डन में बहुत अच्छी लगती हैं। कोई आता है, कहता है कि कितना सुंदर लग रहा है, तो अपने आप में ही बहुत खुशी होती है, और ये हमारे गार्डन को डेकोरेट करने में भी बहुत काम आती हैं। और इस तरीके की चीज़ें हमें बनाते रहना चाहिए। फ्रेंड जब हम पिकॉक टोप्यारी देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कितनी हार्डी सी है, कितना डिफ़िकल्ट इसको बनाना होगा, और जब हम कोई काम करते हैं हमें आ जाता है तो वो इजी हो जाता है। मुझे भी फ्रेंड, मैं देखती थी, मुझे लगता है ये कैसे बनाई होगी, क्या होगा, फिर जब मैंने बनाया तो बहुत ही आसानी से बन गई। तो आप इस तरीके से टोप्यारी ज़रूर बनाएं, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है, जब हम कोई काम करते हैं तो वे ईजी हो जाता है। तो इस तरीके से धागे की सहायता से मैं इसका हेड बना दूँगी, हेड इसका आराम से बन जाएगा, फिर हम इसके पंख बना देंगे और टोप्यारी हमारी तैयार हो जाएगी। बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड, बहुत अच्छा इसका लुक आता है। आप जोड़े से बनाइए। मैंने फ्रेंड दो टोप्यारी बनाई है, एक मैं आपके सामने बना रही हूँ, एक मैंने पहले से बना के रखी है। तो मैंने पहले से बना लिया फ्रेंड, फिर मैं ये दूसरी आपको बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ पहले मैं कर लेती हूँ फिर मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ। जब भी मैं करी हूँ बहुत ईजी होती है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। और जेड प्लांट फ्रेंड एक लकी प्लांट होता है, जो घर में लगाना बहुत शुभ होता है। प्लांट तो फ्रेंड सभी शुभ होते हैं, घर में लगाना प्लांट बहुत अच्छे रहते हैं, हरा भरा गार्डन अच्छा लगता है, हरियाली किसको पसंद नहीं है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से, और ये ईजी ग्रोइंग प्लांट है, हार्डी सा प्लांट है। आपको प्लांटों का शौक है और आप ऐसा प्लांट देख रहे हैं जिसकी कोई केयर नहीं है, तो जेड प्लांट फर्स्ट नंबर पर आता है। आप इसको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए, आपके गार्डन में सालों साल रहता है, और आप इसके एक प्लांट से हज़ारों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड अब ये देखिए, ऊपर की ब्रांचेस से तो हमने इसका हेड बना दिया, हमारा हेड बन के तैयार हो गया। हेड हमने तार की सहायता से बनाया, हमारे पास एक हैवी सा तार पड़ा था, उसकी मदद से हमने इसका हेड बना दिया है। और ये जो नीचे को इसकी ब्रांचेस निकल रही थी उससे हम इसके पंख बना रहे हैं। तो हमारा पिकॉक बन के आसानी से रेडी हो जाएगा, और धागे की हेल्प से हम इसको सेट कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड हमें इसकी रोज़ाना इसकी प्रूनिंग पिंचिंग करते रहनी होगी, जिससे कि घना हो, ये अच्छी शेप ले लेगा तो ये और भी अच्छा लगेगा। ये फ्रेंड धीरे धीरे इन पर काम किया जाता है और ये टाइम टू टाइम अपनी शेप लेते रहते हैं और ये बन के तैयार हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैंने धागे की हेल्प से, धागा भी मैंने ज़्यादा टाइट नहीं बांधा है फ्रेंड, हल्के से बांधा है, कॉटन का धागा है तो इससे कोई हार्म इसको नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इसके पंख बना देंगे। और फ्रेंड आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इस तरीके से ये देखिए, इसके पंख भी बनके तैयार हो गए, और ये बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड। प्लांट्स तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, और इनमें कुछ क्रिएटिविटी करें हम तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस तरीके से हमारा पिकॉक बनके तैयार हो गया। जब मैंने बनाया नहीं था फ्रेंड, तो मुझे लग रहा था कितने डिफ़िकल्ट तरीके से ये बनेगा, और बनाया तो बहुत ही आसानी से बन के रेडी हो गया। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मेरा पिकॉक कुछ लग रहा है। आपको मेरा पिकॉक कैसा लगा फ्रेंड ज़रूर बताएं। मैंने एक और बनाया है, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने दो बनाए हैं, मैंने ये जोड़े से तैयार किए हैं। तो इस तरीके से देखिए, पेंट के डिब्बे में मेरा जेड प्लांट कितने अच्छे से चल रहा था, तो वेस्ट मटेरियल में भी आराम से चलते रहते हैं, इनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। मैंने पहले ही कहा ये हार्डी सा प्लांट है, तो आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, और इससे आप नई नई चीज़ें भी बना सकते हैं। आप इसको जैसे चाहें वैसे रूप में ढाल सकते हैं। ये देखिए, मेरे दोनों पिकॉक बन के रेडी हो गए, और ये कितने अच्छे लग रहे हैं। और कुछ दिनों बाद जब ये और ज़्यादा बुशी हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, तो ये और भी अच्छे लगेंगे। अभी तो ये बन के रेडी हुए हैं, जब ये इतने अच्छे लग रहे हैं, तो आप इस तरीके से इनको ज़रूर बनाएं फ्रेंड। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, इजी ग्रोइंग प्लांट है। इस तरीके के आप इनको शेप दे सकते हैं, कुछ भी आप इससे बना सकते हैं, राउंड शेप में कैसे भी। तो बाय बाय फ्रेंड।